नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। हाथ में डेली मील की थाली लिए सरकारी स्कूल के बच्चे की एक फ़ोटो वायरल हो रही है। डेली मील की थाली में पूड़ी, पनीर की सब्जी, सलाद, मिल्क शेक और आइसक्रीम दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि ये फ़ोटो यूपी के एक सरकारी स्कूल का है। सरकारी स्कूल में बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह का डेली मील देती है। एक यूजर ने फ़ोटो शेयर कर लिखा, ऐसा खाना ठीक ठाक कमाने वाला प्रतिदिन नहीं खाता होगा, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूल मिड डे मील में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार दे रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा, महाराज जी के उत्तर प्रदेश में बस एक ही खराबी है कि महाराज जी नहीं जानते कि इसका प्रचार कैसे करना है। वेबसाइट के मुताबिक ये फ़ोटो जालौन के मनकपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बच्चों को मिड डे मील में तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। यह काम मलकपुरा के प्रधान अमित स्कूल प्रबंधक के साथ मिलकर करते हैं। एड ऑन कॉन्सेप्ट में हमने सरकार के द्वारा दिए गए खाने के मेन्यू में कई चीज़ें जोड़ दी। हमने फल में सेब जोड़ दिया, सब्जी में मटर पनीर जोड़ दिया, सलाद में प्रतिदिन कर दिया। इसके अलावा हमने दूध की जगह मिल्क शेक जोड़ दिया। अमित ने आगे बताया कि 1 जुलाई से हमने तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इसके तहत जो लोग अपनी खुशी से बच्चों के लिए जो भी कुछ करना चाहें या देना चाहें वह दे सकते हैं। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। फोटो में बच्चे की थाली में दिख रहा मिड डे मील मलकपुरा के प्रधान अमित ने सरकार की बुनियादी मिड डे मील में ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बच्चों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन बच्चों के लिए खाने की, पीने की या स्टेशनरी की मदद करते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।